दो हफ्ते पहले मैं घर गया था हैदराबाद, हैदराबाद से दिल्ली और दिल्ली से घर, और आते वक्त घर से जयपुर, जयपुर से हैदराबाद, और जयपुर एयरपोर्ट के सीन कुछ ऐसे हैं, देख लीजिए। और जयपुर एयरपोर्ट पे महात्मा गांधी की जीवनी को उन्होंने विद फोटोज़ फ्रेम करके दीवार पे दिखाया गया है, और वो देखने में बहुत खूबसूरत है। अगर आप कभी जाओ, जो आपकी कोई फ्लाइट हो, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसको पढ़ सकते हो कि महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, शुरू से लेके एंड तक। वो पूरा उन्होंने विद फोटोज़ फ्रेमिंग करके दीवार के ऊपर दर्शाया हुआ है, तो जब भी जाएँ ज़रूर देखें। इससे पहले मैंने जब भी ट्रैवल किया तो मैंने इंडिगो से किया है, क्योंकि इंडिगो बेस्ट है। आपके पास लगेज एक्स्ट्रा हो, कुछ भी हो, इंडिगो बेस्ट है। और मेरा ये फर्स्ट ट्रैवल था गो फर्स्ट के साथ, और जब मैं प्लेन में एंटर हुआ तो देखा उनकी जो सीटें हैं बहुत पतली थी, और दूसरा मेरा जो विंडो थी ना, उस पर कोई ऐसे सर्टी करके सोया होगा शायद, तो उस पर ना ऑयल ऑयली सी भर गई थी वो, और मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था तो मेरे को साफ भी करना पड़ा। मैं 2 हफ्ते घर रहा हूँ ना, बहुत ठंड थी उधर नॉर्थ में, बहुत ठंड थी, इवन जयपुर में भी धुंध थी, और आप देख सकते हो कि प्लेन धुंध में जा रहा है। तो अब आते हैं मेन चीज पे, कि जिसके लिए हमने ये पैसा वेस्ट किया विंडो साफ की। बादल, बादल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा पैसा तो बादल का ही है। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि ये तो बहुत छोटे छोटे से बादल दिखा रहा है, सबर करो, बड़े बादल भी आएंगे। मैंने भी सबर किया, क्योंकि ये मेरी डे लाइट की फर्स्ट फ्लाइट थी, तो मैं बहुत एक्साइटेड था बादल देखने के लिए, और जो बादल का जो खूबसूरत नज़ारा था ना, जो व्यू था ना, we
भैया बहुत हो गया बादल देख के, अब फ्लाइट से उतरो, अपना लगेज लो और अपने रूम पे जाओ। गाइज ये थी मेरी जर्नी जयपुर से हैदराबाद, और ये मैंने जो पूरा वीडियो है ये मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया था क्योंकि मैं गोप्रो साथ लेके नहीं गया था जब घर गया था। और दूसरा अभी जो मैंने सेल्फी जो रिकॉर्ड की हैं जो जो भी वीडियो के बीच में आई हैं वो सब मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड की है, और साउंड मुझे पता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि मेरा जो बोया का माइक था ना, ये माइक पता नहीं इसको क्या हो गया, ये चल नहीं रहा, तो मैंने जो वॉइस जो आप सुन रहे हो इतना अच्छा नहीं है इस वीडियो का, बट ठीक है और कोई ऑप्शन नहीं था। और मैं जब इस बार घर गया तब मुझे पता चला कि मेरी मैटरनल फैमिली और मेरी पैटरनल फैमिली दोनों ही मेरे वीडियोस देखते हैं, तो मेरे को पता नहीं था कि मेरी फैमिली में मेरी वीडियो देखते हैं, और काफ़ी कुछ सुनने को मिला, अच्छा लगा जो भी सुना। और ये था मेरा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अभी कोविड के बहुत केस बढ़ रहे हैं तो मैंने भी जिम जाना बंद कर दिया है, तो मैं लास्ट ब्लॉग में कहा था कि मेरे भी जिम के वीडियोस आएंगे डाइट को लेकर और एक्सरसाइज को लेकर, बट बिकॉज ऑफ कोविड केसेस मैंने जिम बंद कर दिया जाना, तो अभी वो जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसके बाद आएंगे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हाई, बाय।